मेरे प्यारे कालू हैं वीडियो बनाते हुए, ये हमारे प्यारे टकले। सब ग्रुप में डाल देना बेटी। अमन गुरु जी क्या बात है, चलिए कार्यक्रम शुरू कीजिए। रील रूल बना जब तक दो इंसान कभी मिलते नहीं हैं तब तक वो कभी अगर आने वाले क्षण में वो भी बिछड़ते नहीं। तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं आप लोग जान रहे हैं, जिसको दोहराना ही नहीं है। सबसे पहले हम अपने कंपनी का सबसे मोस्ट सीनियर, चाहे उम्र में कहिए चाहे इसमें कहिए, चंदन भैया को आग्रह करेंगे कि गुरु जी लोग को माला पहना कर स्वागत। इधर चले भैया, इधर चले। लेकिन उससे पहले ये जो कार्यक्रम है इसको शुरुआत एक छोटा सा औपचारिकता है, केक को काट कर अभी कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत करेंगे। हाँ मानना ही चलते हरो रचना करने की सारी ताकत, और वही ताकत हमारे मनोज सर के पास जो ये रहा कि पूरे ट्रेनिंग हम लोग को बिता लिए इनके शरण में रहकर, और कहीं पर हम लोग को ये कमी नहीं खला कि हमारे कंपनी में कोई गार्जियनशिप कोई करने वाला नहीं, जिनकी जो ये क्या है कि ये भरपूर इसका एक ये। लेकिन क्या है, सारे देवताओं को यदि आपके पास रहे लेकिन यदि पितामह नहीं रहे तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, सभी देवता आपके पास रहे, देवता क्या आपको शक्ति ही देंगे ना, आपको बल प्रदान करेंगे, लेकिन मार्ग दिखाने वाला आपके पास पितामह है। जो पितामह का रोल विभिन्न कंपनियों में बटा था, जो हमारे भगत सर, पितामह सबके लिए उतना ही बराबर है, जो कि ए बी सी और तीनों कंपनी में रहे, इनका मार्गदर्शन चाहे वो किसी चीज़ के लिए, जब भी ऑफिस में जाते थे कि सर ये काम है ये काम है, तो पहले बोले थे कि हम ही को बताना पड़ेगा क्या हरा देखो तो ठीक है ना, यानी कि पितामह का छत्र छाया रहा हम लोग में, वो बहुत क्या कहें कि सराहनीय, और हम लोग का क्या है कि जो मिलना चाहिए वो सही रूप से मिला। ये था हमारे नज़रिए से हमारे कंपनी का उस्ताद का परिचय, बाकी आप लोग इतना दिन अनुभव किए हैं लेकिन हम जो अनुभव किए हैं वो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। हम चाहेंगे कंपनी से यदि कोई जवान भारत यदि कोई कुछ यदि गुरु के सम्मान में यदि कोई बोलना चाहे तो उसका स्वागत है।
शायरी मारिए यहाँ उपस्थित हमारे जमदार साहब, हमारे गुरुजी लोग और CLT में अच्छी कंपनी के मम्मी का है, इतने जवान उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं अपने हृदय से सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं गुरु का अभिनंदन करता हूँ, ठीक है रखो, गुरु का अभिनंदन और उनके उपलक्ष्य में श्लोक सुनाता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रे महेश्वरा रब ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ और सी कंपनी के जवान की तरफ से अगर कोई गलती हो गया है तो मैं गुरु को क्षमा मांगता हूँ और क्षमा करता हूँ। गुरु जो होता है मार्गदर्शन होता है, प्रेरणादायक होता है, जो ज्ञान का भंडार होता है जो किसी के पास नहीं रहता है। आप सबसे पहले माँ बाप गुरु का प्राथमिकता दिया जाता है, उसके बाद जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो स्कूल में जाता है तो वह वहाँ गुरु मिलता है, वहाँ ज्ञान प्राप्त करता है। जब आगे बढ़ता है मार्ग में या कहीं नौकरी के दरमियान या कहीं भी जाता है तो उनके फिर गुरु से मुलाकात होती है कि हर मोड़ पे एक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु नहीं मिलेगा तो आपको कहीं मार्ग रास्ता भटक जाएंगे। तो जीवन में हर मोड़ पर एक गुरु की आवश्यकता होती है। जहां हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं और हम लोग के सामने गुरु के रूप में हमारे गुरुजी लोग उपस्थित हुए भी हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं और दिए भी हैं। आज गुरु की बदौलत हम लोग आज हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त किए। अगर ये लोग नहीं रहते शायद हम लोग उतना सिखलाई नहीं सीख पाते जितना होना चाहिए। और मैं इसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा दोहा कह रहा हूँ। कर्म जिसके नेक है कल्पना गंभीर हो वहीं वीरों में उत्तम वीर होता है। फूलों का सुगंध हवा के प्रतिकूल नहीं फैलता है, लेकिन कृतिमान व्यक्ति का कृति 200 दिशाओं में फैलता है। जिंदगी जीना आसान नहीं है। वह कौन है जो परेशान नहीं है, कहां मैं घोंसला बनाऊं तूफान कहां नहीं है। जिंदगी जीना आसान नहीं है, वह कौन है जो परेशान नहीं है, कहां मैं घोंसला बनाऊं तूफान कहां नहीं है। आदमी को जीना है आदमी के करीब आदमी जैसा कोई बेईमान नहीं है। जिंदगी जीना आसान नहीं है, वह कौन है जो परेशान नहीं है। पैसा देकर खुशी है, लेकिन क्या है कि आपको हर चीज में परिपूर्ण करेंगे, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। बीच में कौन है? विष्णु जो कि हमारे नायक सर जो कि अभी अनुपस्थित है। यानी कि विष्णु भगवान के अंदर जितनी मोहनी मंत्र था, यानी कि हम लोग को जो काम करवाना था जहाँ हम लोग करते थे एक ही याद करने से विष्णु। दो मिनट रुकिए भैया। यानी कि देखते होंगे जब सृष्टि कहीं मझधार में फंसता है, ये पूर्व से आप लोग देखते आ रहे हैं। मेरे बगैर सब कुछ सही बात है। एक कहावत है हम लोग का सभ्यता में त्रिमूर्ति का, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग में हम लोग को मिले भी त्रिमूर्ति, जो कि हवलदार साहबान के रूप में आप लोग देख रहे हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का रोल अपना अपना है। यानी कि किन्हीं के बिना सृष्टि चलना संभव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि नीचे महेश, जो कि हमारे कंपनी में रहे हमारे तिवारी से। महेश का रहता है थोड़ा सा करक, लेकिन हमसे जो मांगो मिलेगा।
एक चीज देख रहे हैं कि महेश के दरबार में जो गया वो खाली नहीं आया, चाहे वो रावण ही क्यों नहीं गया, चाहे राम ही क्यों नहीं गया। हम लोग का तिवारी सर का कि इनके पास जो भी गया यानी कि सच्चे मन से जो भी गया खाली नहीं आया, जिसका परिणाम हम लोग आज भी देख रहे हैं। थोड़ा सा करक यानी कि आपको रखेंगे हम सही, यानी कि वो क्या बोलते हैं कुमार का जो थाप होता है वो थाप नहीं लगाए तो मिट्टी जो है वो गोला नहीं होता है, वो खरा सही कुछ मुखार बिंदु से बोलने का भाग्य मिला है। सबसे पहले मैं दो दिनों पर गाना गाना चाह रहे हैं, गुरु चरण मिले ना बड़ी भाग से, गुरु चरण मिले ना बड़ी अपना गुरु आज के पौवा पखर बोरा माय, अपना गुरु जी के पौवा पखर बोरा माँ जलवा मंगई बो परे आग से, गुरु चरण मिले नई भाग से, गुरु चरण मिले न बड़ी अपना गुरु। अभी हम बुलाना चाहेंगे अपना कंपनी का, अभी हम बुलाना चाहेंगे अपने कंपनी का सबसे भारी भरकम उभर वेट हमारे जोगी जी। अभी जरूरत है हमको एक ऐसे जवान का जो कि हर गिनती में एक बार जरूर फोन करे कि अमन भैया अभी समझ गए, ठीक है। तो आया हमारे कौशलेश दुबे, क्या देखने बोलते थे पता चला, लेकिन हमको ये पता नहीं चला हर गिनती में आते, लेकिन फिर भी देखने के लिए क्या बोले, तिवारी सर हर गिनती में आते लेकिन देखने के लिए। पानी उतर जाएगा तब बैठ का, हम तो बैठले हैं भैया, हमरे में डाल दीजिए खाली। कम थोड़ी ही खाया कोई, हम खरीद लिख के जानते हैं। उतना तो हम लोग लिख चुके थे। रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना आपका, हाँ इसे देखिए, इसे कैमरा भी होता, फोटो भी खींचा जाए। संगीत कहते हैं कि किसी भी देश की दो मजबूती होती है,